मुखिया जी चुनाव के मैदान में। जनता की बारी, मुखिया प्रत्याशी से सीधी बात, कैसे करेंगे पंचायत का विकास। मुखिया जी चुनाव के मैदान में। खुद से ही जीतने की जंग है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज की चुनावी यात्रा पर अभी हम पहुँचे हैं झंझारपुर प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र नवानी पंचायत। प्रखंड मुख्यालय से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर यह पंचायत नवानी पंचायत के सिरखड़िया गांव। पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है, काफ़ी जुझारू महिला मुखिया प्रत्याशी रामशिला देवी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये लगातार समाज सेवा से तो जुड़ी है, महिला सशक्तिकरण के मिशन जीविका के माध्यम से विगत 10 वर्षों से पंचायत में अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं, समाज सेवा का काम कर रही है और पंचायत चुनाव के मैदान में भी ये कई बार आ चुकी है। हम इनसे जानेंगे इस बार चुनाव के मैदान में आने के पीछे इनका कारण, इनके चुनावी मुद्दे क्या है, हम विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम इनका आपसे परिचय कराते हैं। मैम, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम रामशिला देवी और मुखिया प्रत्याशी नवानी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ। 3 बार से मैं पंचायत में चुनाव लड़ रही हूँ, 2 बार हार चुकी हूँ, इस बार 3रा बार है। इस बार उम्मीद है कि जनता हमको समर्थन करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप 2 बार पंचायत चुनाव के मैदान में आई है, 2 बार चुनाव में आप शिकस्त खा चुकी है, पंचायत में तक जो 4 बार पंचायत चुनाव हुए हैं 2011 से जी, जिसमें 3 महिला मुखिया ही यहाँ से निर्वाचित हुई है जी। इस बार जो आप चुनाव के मैदान में 3री बार आई है, इसके पीछे का उद्देश्य आपका? सबसे पहला उद्देश्य है नल जल योजना जी, जहाँ यहाँ पंचायत में नल का निर्माण हुआ है, गली नली में नल लगा हुआ है, कहीं सफल नहीं हो रहा है, कहीं कोई भी नल का पानी नहीं चल रहा है। अब पंचायत में जो अधूरे काम है विकास के, उसको पूरा करने के लिए चुनाव के मैदान में आए हैं। हम पंचायत में जो बीते 5 साल का कार्यकाल है निवर्तमान मुखिया का, हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना जरूरी समझते हैं, चूँकि आप महिला हैं जी, महिला प्रत्याशी हैं जी, और महिला का प्रतिनिधित्व पहले से करती आ रही है, इस बार अगर आप पंचायत का प्रतिनिधित्व करती हैं तो निश्चित तौर पर महिलाओं की आपसे अपेक्षाएं अधिक होंगी, जीतें अधिक होंगी। महिलाओं के लिए आपके पास क्या योजना है? जब हम जीतेंगे तो महिला को मान सम्मान देंगे, महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है हर महिला को मान सम्मान देंगे और सबको लेकर आगे बढ़ेंगे। जो योजना है आएगा हर महिला के सामने, मान सम्मान होगा, सभी के साथ काम करेंगे। महिला का मान सम्मान और सरकार की जो योजना है महिला सशक्तिकरण, उसका लाभ अपने पंचायत की महिलाओं को दिलाएंगे। अब हम आपसे बात करेंगे, आपकी पंचायत में जो निवर्तमान 5 साल का मुखिया है उनका जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में, क्या आपको लग रहा है कि जो निवर्तमान का 5 साल का कार्यकाल रहा है वो संतोषजनक है, या उसमें आप किस रूप में आप उसे देखते हैं? ये 5 साल के अंदर जो काम हुआ है मुखिया के मार्फत सब काम अधूरा है जी। और जब हम जीत के जाएंगे तो पूरा करेंगे, जो अधूरा है सबको हम पूरा करेंगे। जो काम आपने बताया है कि सब काम अधूरे, हम आपसे जानेंगे बारी बारी से,
अच्छा। योजना के हिसाब से कौन सा काम अधूरा है, कौन सा काम पूरा हुआ है जी। और आप उस अधूरे काम को कैसे पूरा करेंगे, हम उसके बारे में आपसे जानेंगे बारी बारी से। पहले हम बात करेंगे पंचायत में सरकार की एक निश्चित योजना है सात निश्चय योजना के तहत ही पंचायत में विकास काम करना है पंचायत सरकार के द्वारा जी। और सात निश्चय योजना में सबसे महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना है नल जल जी। लोगों के घरों में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल, हम नल जल के स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में नल जल की क्या स्थिति है। नल तो हर जगह लगा हुआ है लेकिन स्वच्छ जल जनता के घर नहीं पहुंच रहा है। नल लगा हुआ है, जल नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, कभी कामयाबी नहीं है। आपसे क्या उम्मीद करें, उसको हम पूरा करेंगे। जब आप अगर चुनाव जीत के आती हैं तो पहले आप इसे पूरा करें। पहले उसे पूरा करेंगे। आगे हम बात करेंगे सात निश्चय के तहत आता है गली नली जी। क्योंकि यह पंचायत प्रखंड मुख्यालय से काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र है, उसमें भी सिरखड़िया गांव काफ़ी दूर है, एक भौगोलिक संरचना भी इसकी कुछ अजीब है जी। गली नली की क्या स्थिति है आपके पंचायत में और आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है। गली नली का बहुत स्थिति खराब है कि कोई किसी भी गली में रोड सड़क नहीं है, जाने लायक नहीं है। और जब हम जीतेंगे तो हर गली में रोड बनवाएंगे और नाली का निर्माण करवाएंगे। जल जमाव की समस्या के लिए, जल जमाव की समस्या गली के साथ ही, गली के साथ ही नाली का निर्माण जी, गली के साथ ही नाली का निर्माण करेंगे। सरकार की एक योजना है स्वच्छता अभियान जी, महत्वपूर्ण खास करके उस जगह पर जहाँ का प्रतिनिधित्व महिला करती है जी, वहाँ इस योजना को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए था। आप ये बताएं कि आपका पंचायत खुले में शौच मुक्त हुआ है, चूँकि आप जीविका से भी जुड़ी हुई हैं जी। आप खुले में शौच मुक्त होने का मतलब हर घर में शौचालय का निर्माण हुआ है जी या नहीं? अभी तक शौचालय का निर्माण बहुत अधूरा हुआ है। हम भी जीविका से जुड़े हैं, कुछ कुछ बनाए हैं, अभी बहुत बाकी है। बाहर में शौच करने जा रहे हैं महिला सब, जब हम जीतेंगे तो हर घर में शौचालय बनवाएंगे। चुनाव जीतती है तो हर घर में शौचालय का निर्माण, जो कि ये महिलाओं के घर परिवार इज्जत मान सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है जी। हम आगे बात करेंगे आपसे आवास योजना जी। पंचायत सरकार के द्वारा जी एक सूची तैयार की जाती है, सरकार के पास जो सूची है उसका अनुमोदन ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत सरकार में किया जाना है और गरीबों को पक्का आवास जी। क्या आपको लग रहा है कि आपके पंचायत में सभी गरीबों को पक्का आवास बन चुका है? नहीं, अभी तो गरीबों के पास पक्का मकान पूरा नहीं हुआ है, बहुत अधूरा है। जिसको होना चाहिए उसको नहीं हुआ, जिसको नहीं होना चाहिए उसी को दोबारा मुखिया जी सर दे दिए। यानी जो सही लाभुक है उसे नहीं मिला, नहीं उस तक नहीं पहुंचा अभी तक, और किसी को दोबारा मुखिया जी दे दिए जी। ऐसा कैसे हो, देखिए आप से क्या उम्मीद की जा सकती है? जिसको नहीं हुआ है उसको हम पूरा करेंगे, जो गरीब लाभ से वंचित है उसे आप योजना का लाभ दिलवाएंगे जी। आप बता रही थी कि किसी को दोबारा, आपसे फिर पूछना चाहेंगे ऐसा वो कैसे देते हैं? वो जो किसी को दोबारा दे दिया गया है वो भ्रष्टाचार हुआ है, लूटपाट हुआ है। मुखिया जी पैसा ले ले करके जिसको मकान है उसी को दे दिए हैं, जिसको होना चाहिए उसको लाभ नहीं पहुँचा है। आवास योजना में भ्रष्टाचार काफी अनियमितता हुई है जी, आपसे क्या उम्मीद? हम जिसको लाभ नहीं हुआ है उसको हम दिलवाएंगे, घुसपैठ नहीं करेंगे। घूस आवास योजना में जो घूस है, अनियमितता है, आप उसको रोकेंगे? रोकेंगे। पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है जी। अब हम आपसे बात करेंगे, एक सरकार की योजना है जल जीवन हरियाली, जिसे आपके पंचायत में हरियाली काफी है, बावजूद जल संरक्षण महत्वपूर्ण है जी। कई नहर तालाब जिन सिंध अवस्था में पड़े हुए हैं, सरकार की योजना है उसका सौंदर्यीकरण करना, जल संरक्षण के लिए नए तालाब
खुदवाना, जो पुराने तालाब हैं जो मृत्यु प्राय हो चुके हैं उसको उसका जीर्णोद्धार करके वहाँ पे जल संरक्षण महत्वपूर्ण है, जल ही जीवन है जी। और हरियाली भी महत्वपूर्ण है, बिना हरियाली मानव जीवन संभव नहीं है। वो लेकर आपके पास क्या योजना? जल जीवन हरियाली के लिए जहाँ तालाब गड्ढा पड़ा हुआ है उसको खुदाई करवा करेंगे और वृक्षारोपण पर चर्चा करेंगे, जोर लगाएंगे। अपने पंचायत को हरे भरे रखना है, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जरूरी है जी। हम आगे बात करेंगे आपसे, चूंकि आप शिक्षित हैं जी, तभी आप अपना विकास कर रही हैं। किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है जी। आपका क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ शिक्षा पहले जरूरी है जी। शिक्षा के लिए आपके पास क्या योजना है ताकि आपका पंचायत विकसित हो? सबसे पहले आप बताएं कि आपके पंचायत में प्लस टू विद्यालय है या नहीं जी? है। वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था शुरू है या फिर वो कागज पर ही चल रही है? वो सब कागज पर ही चल रहा है जी। जी। क्या उम्मीद करें आपसे जी? जब आप उसको हम चलवाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करेंगे, करेंगे। जो विद्यालय जिनसिन है उसको चालू करवाना है, प्लस टू विद्यालय का निर्माण हुआ है लेकिन पठन पाठन की व्यवस्था वहाँ सुचारू नहीं हो पाई है, उसे सुचारू करना है जी। युवाओं के लिए आपके साथ, चूँकि युवा और महिला महत्वपूर्ण वोटर के मतदाता है, महिलाओं के मान सम्मान की तो आपने बात की, नारी सशक्तिकरण की तो आपने बात की, युवाओं के लिए आपके पास क्या योजना है? युवाओं के लिए ये है, जो खेल से भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है और जहाँ खेल मैदान है उसको हम सुचारू ढंग से सही करवाएंगे जिससे नवयुवक सब का खेल कूद हो सके सही सलाम। सरकार की योजना भी आ रही है हर पंचायत में खेल का मैदान जी, इसके लिए आप पहले से तैयारी कर रहे हैं जी। पंचायत को एक मॉडल, अब गांधी जी का एक सपना था ग्राम स्वराज की, मॉडल पंचायत की जी। आप कैसे पंचायत को मॉडल बनाएंगे? अगर आप चुनाव जीतती है तो आपका भी सपना होगा, आपसे भी लोग उम्मीद करेंगे कि हमारा पंचायत नवानी पंचायत एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित हो। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके पंचायत में मॉडल सरकार भवन बना है या नहीं? नहीं बना है। नहीं बना है? नहीं। जब तक आपका पंचायत सरकार भवन मॉडल नहीं बना है फिर आप पंचायत को कैसे बनाएंगे मॉडल? इसके लिए आपके पास क्या योजना? अपने पंचायत में नोडल पंचायत भवन बनवाएंगे और इसमें जो है सो रोशनी का जरूरी रहेगा उसको लगवाएंगे जी। और क्या कहते हैं, जगह जगह पर सीसी कैमरा भी लगवाएंगे पंचायतों में, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा जी, ताकि वहाँ से आप निगरानी कर सके अपने पंचायत की जी। और यहाँ से ब्लॉक बहुत दूर पड़ता है जी। तो पंचायत में जो महिला या युवा या जो हो यहाँ पंचायत भवन जो बनेगा वहीं पर सब कुछ, जाति आवासीय दाखिल खारिज वगैरह वगैरह जो होता है सब कुछ यही हो जाएगा। ब्लॉक जाने का जरूरी, पंचायत को मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले मॉडल पंचायत भवन जरूरी है, जरूरी जो आप पहली प्राथमिकता के आधार पर इसे पूरा करेंगे जी। हम आपसे सबसे अंत में जानना चाहेंगे आपसे विदा लेने से पहले कि आप जनता से हमारे माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहती है, जनता को क्या आश्वासन देना चाहती है? हम जनता से उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता जब हमको साथ दे रहे हैं जीत कर जाएंगे तो हम पंचायत के विकास करेंगे, सबके साथ मान सम्मान करेंगे।